दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति वह पर्व जिस पर्व की प्रतीक्षा हम सभी करते हैं, क्योंकि उस दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है, देवताओं की रात्रि समाप्त होती है। देवताओं की रात्रि दक्षिणायन को कहा जाता है और दिन उत्तरायण को कहा जाता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है और मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। सूर्य की मकर संक्रांति बेहद खास होती है क्योंकि यहाँ देवताओं का दिन हो जाता है। 6 महीने के लिए देवताओं का दिन हो जाता है। तो ये दिन जो देवताओं का दिन लेकर आता है, मकर संक्रांति का पर्व बेहद खास हो जाता है, जिसमें हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी दान करते हैं, जप करते हैं, तो उसका फल हमें 1000 लाख गुना बहुत खास मिल जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलता है। अगर हम 1 रुपए दान करते हैं तो वो लाखों के बराबर हो जाता है। तो ये पर्व बेहद खास हो जाता है। इसमें स्नान, जप, ध्यान, तप सभी की अलग अलग पुराणों में व्याख्या की गई है और बेहद खास मत्स्य पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि जो व्यक्ति इस दिन कोई भी उपाय कर लेता है, सूर्य से संबंधित, भगवान विष्णु से संबंधित, या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई भी जप तप कर लेता है, कोई मंत्र ध्यान कर लेता है, उसे हर मनोकामनाएं उसकी पूरी हो जाती है, उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। चलिए ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन आपको हमने वादा किया था कि एक लव टिप्स, एक बहुत ही प्यारा सा रेमेडी आपको देंगे जिससे आप लव लाइफ को बेहतर बना पाएं। खास करके लव लाइफ से ज़्यादा ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। मैरिड लाइफ में अगर आपके हस्बैंड के साथ में, आपकी वाइफ के साथ में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप खराब चल रहा है और ये दोनों को पता है कि ये रिश्ता हमें दोनों को सही करना है, अगर आप दोनों को ये लगता है कि दोनों को रिश्ता सही करना है और ये आप दोनों की कमजोरियां या गलतियों से नहीं बल्कि कुछ प्रॉब्लम अलग ही है जिससे हम दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है और दोनों ही सही करना चाहते हैं फिर भी सही नहीं हो रहा है, तब तो आप इस वीडियो को अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी इस उपाय को कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। अगर आप अकेले करना चाहें तो उसे अकेले भी कर सकते हैं। बेहद खास उपाय है, अपने पार्टनर को अगर आपको खास करके नाराजगियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं, वो दूर होंगी। पंचमेश यानी सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश बनता है, पंचम भाव का स्वामी होता है। अब सूर्य की मकर संक्रांति जो है वो खास करके आपके पंचम भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, पंचम भाव में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और इसमें आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। इस लव टिप्स को करके या कोई उपाय करके, पूजा पाठ करके आप बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त करते हैं और अपने पार्टनर को बहुत अपने नज़दीक ले आते हैं। लेकिन हमारा ये उपाय आपको सीधा सीधा आपके पार्टनर के साथ में अगर संबंध खराब चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं और अगर आपके फैमिली वाले बात नहीं मान रहे हैं, लव मैरिज के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। बेहद खास उपाय है लव लाइफ, लव मैरिज या मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए। भूल से भी उपाय एक्स्ट्रा मैरिटल वाले न करें, अपने पार्टनर को सही करने के लिए या रिश्ते को अच्छा करने के लिए अगर करेंगे तो हो सकता है कि उससे आपको कोई दुष्परिणाम मिल जाए, क्योंकि ये उसके लिए उपाय बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल में और परेशानी आ जाएगी, इसलिए उपाय लव लाइफ, मैरिड लाइफ लिए, सिंगल लोग जो हैं उन्हें अगर सच्चा प्यार चाहिए तो वो भी ये कर सकते हैं। उपाय में क्या करना है आपको, उपाय में करना है 1 तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा आपको गुलाब जल, थोड़ा सा आपको इत्र डालना है रुई में लगा करके, थोड़े से चावल डालने हैं और केसर थोड़ी सी लेकर के केसर भी डाल लीजिए। ये डालने के बाद में आप सुबह सुबह स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप इससे सूर्य को जल से अर्घ्य प्रदान करिए, खास करके पुरुष गायत्री मंत्र बोल करके,
और गायत्री मंत्र से वही अर्घ देंगे जो जनेऊधारी हैं, ठीक है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत हुआ है वो देंगे, और नहीं तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे करके तीन भाग करेंगे उस लोटे के, उस जल को तीन भाग में करके देंगे। सुबह सुबह आपको जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही आपको ये सूर्य को जल से अर्घ देना है, और अगर लेट हो जाए तब भी दीजिएगा, इससे आपका उपाय हो जाएगा और ये लव टिप्स आपके लिए पूरा एक वर्ष यानी कि अगली 14 जनवरी 2023 आएगी तब तक के लिए आपको बहुत कुछ लाभ प्राप्त कराने के लिए ये उपाय प्रयुक्त होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये उपाय पसंद आया होगा, उपाय पसंद आए अपने हस्बैंड वाइफ लवर को सबको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लव टिप्स, ऐसे ही छोटे छोटे उपाय आपको हम बहुत ही आसानी से समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं और आपको एक सही मार्ग दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।